एजेंडा रहा है, उसको हमने आगे बढ़ाया। और विशेष करके धारा 370 जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकाल में जिसको हमने तोड़ा, प्रथम कार्यकाल में तोड़ा, उसके बाद जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर हर क्षेत्र में आगे बढ़ा, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के बहुत बड़ा काम जम्मू कश्मीर में हुआ है। और इस सभी के संदर्भ में सबसे पहले यह जरूरी था कि वहां पर शांति व्यवस्था कायम की जाती। 2015 से लेकर के 2018 में सरकार में रहते हुए हमने ये देखा है, एक कश्मीर श्रीनगर में जो पुल था राजमार्ग, वो आपने देखा होगा 3 साल जैसी स्थिति में था वैसा ही था, लेकिन उसको किस प्रकार से कंप्लीट किया गया, क्योंकि वहां पर शांति व्यवस्था कायम हुई। देखिए, ये मौके की नजाकत है। जो ऑलरेडी वहां पर राजनीतिक पार्टियां थी उनसे लोग नाराज थे, ये तो पिछले इलेक्शन लोकसभा में हमें पता लगा है। चाहे वो पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती जी हैं, चाहे उमर अब्दुल्ला हैं, उनको लोगों ने किस प्रकार से नकारा है। नए समीकरण बने, नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, मुझे लगता है ये भी नया एक्सपेरिमेंट है, इनका क्या होता है। लेकिन ये कोई भी कश्मीर के हित के लिए नहीं सोचता, ये वहाँ के हालात खराब करने का एक प्रयास कर रहे हैं। और उनको सामने नजर आ रही है तो इस प्रकार की बातें कर रही है। ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट में तय होता है, कोर्ट ही इसका निर्णय लेता है। कांग्रेस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है उसको अपना रही है, लेकिन बोलती कुछ नहीं है, सहारा लिया है, शायद कुछ सीटें निकल आए, तो मुझे लगता है कि डूबते को तिनके का सहारा वही चल रहा है।